तो ड्रामा की शुरुआत होते ही हम फीमेल लीड कैंगलिंग को देखते हैं, जो कि इस वक्त क्लब में ड्रिंक कर रही होती है और अपने एक्स फियांसे यूचेन को गालियां दे रही होती है। तो फिर हमें पता चलता है कि इसकी एक्स फियांसे यूचेन और इसकी खुद की सिस्टर इन दोनों ने मिलकर इसे चीट किया है, जिस वजह से ये बहुत ही ब्रोकन होती है और इसीलिए गुस्से में ये डिसाइड करती है कि आज यहाँ पर किसी हैंडसम लड़के के साथ ये वन नाइट स्टैंड करके रहेगी। और तभी ये जा टकराती है शैंगशी ग्रुप के प्रेसिडेंट से, जिनका नाम है मोयू और ये इस ड्रामा के मेल लीड है। ये मोयू से मिलकर इसे फोर्स करने लग जाती है अपने साथ इंटीमेट होने के लिए। ये इसकी बॉडी छू कर कहती है कि तुम्हारी बॉडी बहुत ही कड़क है, आज रात हम दोनों साथ में टाइम स्पेंड करें। यू कहता है कि तुम किसी स्ट्रेंजर के साथ इस तरह रात कैसे बिता सकती हो, तुम्हें डर नहीं लगता क्या? लेकिन फिर भी कैंगलिंग इसे फोर्स करती है, जिसके बाद मोयू इसे गोद में उठा कर लाता है अपनी कार में और कार में ये एकदम नोटी होने लग जाती है। मोयू भी कंट्रोल नहीं कर पाता तो फिर ये इसे किस करने लग जाता है और ड्राइवर को कहता है विला पर चलने के लिए। अब ये जब अपने घर पर आता है तो होशहवास में ये इसके साथ रोमांस कर रहा होता है, जबकि कैंगलिंग पूरे नशे में होती है। रात भर ये इसके साथ नाइट स्पेंड करता है, लेकिन सुबह होते ही कैंगलिंग के होश उड़ जाते हैं कि ये इसने नशे की हालत में क्या कर दिया। गुस्से में आकर उसने वन नाइट स्टैंड कर दिया और फिर ये मोयू से कहती है कि देखो आजकल वन नाइट स्टैंड तो नॉर्मल चीज है, अब तुम थोड़ा बाहर जाओ तो मैं कपड़े पहन कर यहाँ से बाहर निकलो। लेकिन मोयू कहता है कि तुम मेरे सामने भी कपड़े पहन सकती हो, भला मुझसे कैसा शर्माना, तुम तो मेरी वाइफ ही हो। ऐसा सुनकर तो बेचारी के पैर उतरे जमीन ही खिसक जाती है, ये सोच में पड़ जाती है कि मैं तुम्हारी वाइफ ही भला कैसे। तो फिर ये मैरिज सर्टिफिकेट दिखाता है, ऐसा देखकर तो ये एकदम हैरान हो जाती है कि भला मैं किसी स्ट्रेंजर से शादी कैसे कर सकती हूँ। और फिर ये मैरिज सर्टिफिकेट पर हमारी मेल लीड का नाम मोयू देखती है और कहती भी है कि तुम मोयू हो, इस शहर के सबसे रिचेस्ट पर्सन, शैंगशी ग्रुप के प्रेसिडेंट। तो फिर ये कहता है हाँ, इसमें बड़ी बात क्या है, हैरान होने वाली बात क्या है। तो ये कहती है तुम इस शहर के सबसे रिचेस्ट पर्सन हो। तो ये कहता है हाँ मैं हूँ। कहती है वह तो मुझे जाने क्यों नहीं देते, हमने सिर्फ वन नाइट स्टैंड ही तो करा है, जो कि आज की जनरेशन में एकदम नॉर्मल सी बात है। मोयू कहता है मैं तुम्हें कैसे जाने दे सकता हूँ, हम दोनों अब लीगल कपल है। तो फिर ये कहती है कैसा होगा अगर हम डिवोर्स कर ले। तो फिर मोयू गुस्से में आ जाता है और कहता है देखो प्रिंसेस, तुम्हें जो चाहिए मैं वो दूंगा, लेकिन बस डिवोर्स का नाम मत लेना। वेल अब ये तैयार होकर यहाँ से भागने की कोशिश करती है और तभी ये जा टकराती है अपने फियांसे यूचेन से। ये इसे देखते ही इससे माफिया मांगने लग जाता है कि प्रिंसेस तुम कहाँ थी, रात भर मैं तुम्हें ढूंढ रहा था, मैं तुम्हें कैसे बताऊँ मुझसे ये गलती हो गई, प्लीज मुझे माफ कर दो, मुझे छोड़ कर मत जाओ। तो कैंगलिंग कहती है कि जो लड़का अपने पैंट का जिप ही कंट्रोल नहीं कर सकता, मैं उसके साथ कैसे रह सकती हूँ। यूचेन इसे समझाता है कि मैं अपना माइंड नहीं कंट्रोल कर पाया, मैं आउट ऑफ कंट्रोल चला गया, प्लीज मुझे माफ कर दो, मुझे समझने की कोशिश करो। कैंगलिंग कहती है कि तुम्हें थोड़ा भी शर्म नहीं आया, जिस बेड पर तुम दोनों साथ में थे वो हमारा वेडिंग बेड था और वो हमारी वेडिंग नाइट थी, जो कि तुमने पूरी तरह से स्पॉइल करके रख दिया है और अब तुम मुझसे एक्सपेक्ट करते हो कि मैं तुम्हें माफ कर दूं और दोबारा से तुम्हारी वाइफ ही बन जाऊं। और तभी यहाँ पर इसकी नागिन बहन चैंगलिंग आती है, ये कहती है सिस्टर यूशान की कोई गलती नहीं है, मैंने इसे सिड्यूस करा था, अगर मारना है तो मुझे मारो, बहन के नाम पर मैं धब्बा हूँ, मुझसे गलती हो गई, प्लीज लेकिन ये शादी मत तोड़ो। और यहाँ पर खूब नाटक करती है, लेकिन फिर यूचेन उसे संभालता है, ये देखकर इसे और गुस्सा आता है और ये यहाँ से जाने लग जाती है। लेकिन तभी यहाँ पर मोयू का आदमी आकर कहता है कि मिस आप कहाँ जा रही हैं, सर ने आपको स्विमिंग पूल के पास बुलाया हुआ है। तो जब ये मोयू के पास जाती है तो वो उसे पानी में खींच लेता है और अपने साथ स्विमिंग करने के लिए कहता है। वेल नेक्स्ट सीन में हम मोयू को देखते हैं जिसकी शादी मोयू से होनी थी और इन दोनों की शादी ग्रैंडपा ने फिक्स कर रहा होता है। इस वक्त मोयू उसे पूछ रही होती है कि हम वेडिंग डेट कब तक डिसाइड करें। तो फिर ये कहता है कैसा वेडिंग डेट, मैं तुम्हारी जैसी औरत से शादी नहीं कर सकता। तो फिर ये कहती है कि तुम शायद भूल रहे हो कि ये शादी अंकल ने डिसाइड करा है, तो क्या तुम सच में अपने अंकल को परेशान करना चाहते हो। मोयू का आदमी आकर कहता है कि कैंगलिंग मैम यहाँ से भाग गई है। सुनकर मोमो हैरान हो जाती है और कैंगलिंग को गाली देते हुए कहती है कि मुझे भी जानना है कि ये मैडम इतना स्पेशल क्यों है मोयू के लिए।
कहीं ऐसा ना हो वो मेरी जगह ले ले। वेल, मैं ऐसा होने नहीं दूंगी। वेल, कैंगलिंग भागकर अपने घर पर आई हुई होती है। यहाँ हम इसकी स्टेप मदर को देखते हैं और कैंगलिंग के सिस्टर स्टेप मदर की ही बेटी है। यहाँ पर इसकी सिस्टर इसका वेयरिंग ड्रेस ट्राई कर रही होती है और तभी कैंगलिंग गुस्सा करती है। वेयरिंग ड्रेस को तुमने पहनने का सोचा भी कैसे? तुमने मेरे फियांसे को छीन लिया और अब तुम्हारी नजर मेरी वेयरिंग ड्रेस पर भी है। भला तुम इतनी लालची कैसे हो सकती हो? आखिर तुमने आज ये प्रूफ कर ही दिया कि तुम अपनी माँ के जैसे हो। जैसे तुम्हारी माँ ने मेरे डैडी को सिड्यूस करा था, वैसे तुमने मेरे फियांसे को करा और अब तुम मेरी ड्रेस पर अपना हक जमा रही हो। तो फिर इसके सिस्टर बड़ा इनोसेंट बनते हुए कहती है कि बहन, मुझे तो लगा था कि ये ड्रेस तुम्हारे लिए ज्यादा वैल्यूएबल नहीं है। मुझे ये ड्रेस अच्छा लगा तो मैंने ट्राई कर लिया। मुझे तो लगा ही नहीं कि ये किसी अनजान का ड्रेस है। वाला ये मेरी सिस्टर का ड्रेस है तो मैं भी ट्राई कर सकती हूँ। तो ये कहती है, हाँ तुम्हारे सिस्टर का जो भी चीजें हैं तुम वो ट्राई करती रहो। उसके हस्बैंड को, उसकी वेडिंग ड्रेस को, उसके वेडिंग बेड को, जो मन करे तुम वो ट्राई करो। मैं बहन थोड़ी ना हूँ, मैं तो फ्री का सामान डोनेट करने के लिए बैठी हुई हूँ। तो यहाँ पर कैंगलिंग के डैड आते हैं और कहते हैं कि तुम्हें थोड़ी सी भी तमीज नहीं है अपनी मम्मा से बात करने की। आखिर तुम अपनी मम्मा से ऐसे कैसे बात कर सकती हो? तभी यहाँ पर नाटक बाज इसकी सिस्टर कैंगलिंग रोने लग जाती है और कहती है कि डैड प्लीज मेरी बहन को कुछ भी मत बोलिए। अगर मुझे मारना है तो मारिए, अगर कुछ बोलना है तो मुझे बोलिए, क्योंकि सारी गलती मेरी और मम्मा की है। हम लोगों ने गलती करा है, वो तो इनोसेंट है, उन्होंने कुछ भी नहीं करा है। हम लोग उन्हें मिलकर परेशान करते हैं, तो प्लीज आप मुझे पनिशमेंट दीजिए। डैड ऐसा देखकर कैंगलिंग को डांटते हुए कहते हैं कि देखो तुम्हारी बहन कितनी इनोसेंट है, ये तुम्हें कितना प्यार करती है और तुम हो कि इतना पत्थर दिल बनी जा रही हो। आखिर मैंने तुम्हें यही सारे मैनर्स सिखाए हैं क्या? फिर ये अपने डैड को बताती है कि डैड, ये मेरे होने वाले फियांसे के साथ बेड पर वन नाइट स्टैंड कर रही थी और आपको ये छोटी सी बात लग रही है? पहले इसकी मम्मा ने मेरी मम्मा की प्लेस ली और अब ये मेरे हस्बैंड की लाइफ में घुसकर मेरी प्लेस लेने की कोशिश कर रही है। दोनों औरतें एक जैसी हैं। ऐसा सुनकर इसके डैड इसे थप्पड़ मारते हैं। तो फिर ये भी कहती है कि आप लोग मेरी मम्मा के पैसों पर पल रहे हो और मेरी मम्मा के पैसों का इतना गलत इस्तेमाल कर रहे हो और ऊपर से मुझे ये इतना एटीट्यूड दिखाते हो। वेल, तभी यहाँ पर इसकी सिस्टर नाटक करने लग जाती है पेट दर्द का। तो फिर स्टेप मदर कैंगलिंग को गाली देते हुए कहती है कि शायद ये प्रेग्नेंट है और अगर तुम्हारी वजह से इसके बच्चे को कुछ भी हुआ तो मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगी। ऐसा सुनकर ये हैरान हो जाती है और कहती है कि देख लिया डैड, अब तो ये प्रेग्नेंट भी है। इन डैड को कोई फर्क नहीं पड़ता और वो इसे हॉस्पिटल ले जाने के लिए ऑर्डर करते हैं और कैंगलिंग को रूम में बंद करने के लिए देते हैं। लेकिन ये कैसे तैसे करके यहाँ से भाग जाती है और फिर से इसका हीरो मोयू मिलता है। ये कहती है तुम यहाँ क्या कर रहे हो? यहाँ पर मोयू का सेक्रेटरी आकर बताता है कि कैंग फैमिली के सेकंड मास्टर वापस आ गए हैं। तो फिर चैंगमिन मोयू को लेकर कार में छुप जाती है और कहती है ध्यान देना कि वो लोग मुझे देख ना सके। यहाँ पर कैंगलिंग के डैड आकर कहते हैं कि सर यहाँ आना कैसे हुआ? तो फिर ये बहाना करता है कि मैं यहाँ पर कैंग किंग को इनवाइट करने के लिए आया हुआ हूँ, मैं चाहता हूँ कि वो हमारी कंपनी को ज्वाइन करे, मैं कल किसी को इनविटेशन लेटर डिलीवर करने के लिए भेजूंगा। ऐसा कहकर ये यहाँ से चला जाता है। एक तरफ हम चैंगमिन को देखते हैं जो कि मोयू को ये कहकर परेशान कर रही होती है कि डिवोर्स कब होगा, हम डिवोर्स कब लेंगे। ये यहाँ पर इसके साथ रोमांस करने लग जाता है और कहता है कि एज अ वाइफ तुम अपनी ड्यूटी पूरी करो और बार बार डिवोर्स का नाम लेकर मेरा दिमाग मत खराब किया करो। तो फिर ये हर्ट होकर गुस्से में कह देती है कि तुम सारी मर्द एक जैसे जानवर होते हो, जो कि इसे ये बात बुरी लग जाती है। और फिर ये नोटिस करता है कि किसी ने इसके गाल पर थप्पड़ मारा है जिसका निशान है इसके गाल पर और ये पूछता भी है कि ये किसने किया है। के बाद ये इसे अपना गोल्डन ब्लैक कार्ड देता है और कहता है कि इस कार्ड का जो करना है जैसे करना है, जिधर खर्च करना है दिल खोल कर खर्च करो और मैं नहीं चाहता कि मेरी वाइफ को नेक्स्ट टाइम से कोई परेशान करे। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि चेंग फैमिली के लोग अपनी स्टेप सिस्टर और यूजेन दोनों की एंगेजमेंट कराने के लिए होटल बुक करने के लिए आए हुए होते हैं, लेकिन ये होटल बहुत ही एक्सपेंसिव और लग्जरियस होता है और यहाँ पर स्टेप मदर जो कार दे रही होती है वो ये होटल वाले एक्सेप्ट नहीं कर रहे होते हैं और इन्हें बुकिंग भी एक्सेप्ट नहीं हो रही होती है। यूजेन कहता है कि इतना खर्च करने की क्या जरूरत है, हम कम गेस्ट में
भी सारा कुछ कर सकते हैं, लेकिन स्टेप मदर कहती है कि ओहो ये बेकारियों वाली सोच अपने पास रखो। ये लोग यहाँ पर मैनेजर को खूब रिक्वेस्ट करते हैं ये कार्ड एक्सेप्ट करने के लिए, लेकिन वो कहती है कि यहाँ पर सिर्फ ब्लैक गोल्डन कार्ड ही एक्सेप्ट होता है। और तभी यहाँ पर चैंग मैंग आती है। इसे देखकर ये सब हैरान हो जाते हैं और कहते हैं कि तुम यहाँ पर क्या कर रही हो। चैंग मैंग अपना ब्लैक गोल्डन कार्ड निकाल कर देती है होटल को बुक करने के लिए, जो कि मैनेजर फटाक से एक्सेप्ट कर लेती है। ऐसा देखकर इसकी फैमिली कहती है कि तुम्हें ये कार्ड कहाँ से मिला। अदर तो ये भी कहती है कि कहीं इस कार्ड के लिए तुमने किसी अमीर आदमी के साथ वन नाइट स्टैंड तो नहीं कर लिया। चैंग मैंग कहती है कि ये मैटर ही नहीं करता कि ये कार्ड मुझे कहाँ से मिला। आप लोगों को तो ये देखना चाहिए कि मैं अपनी एक्स फियांसी और अपने स्टेप सिस्टर की इंगेजमेंट की तैयारी करने में हेल्प कर रही हूँ। और फिर इसकी स्टेप सिस्टर इसके बाजू में आकर इसकी साइड लेने लग जाती है कि मुझे मालूम था कि मेरी सिस्टर मुझसे बहुत प्यार करती है। ये भले थोड़ी रूड है लेकिन दिल की अच्छी है और ये मुझसे बहुत प्यार करती है। अगर ये ऐसा नहीं करती तो भला ये बॉम्ब क्यूट क्यों बुक करती। फिर ये अपनी बहन को कहती है कि चलो हटो यहाँ से, जहाँ कहीं तुम्हें पैसे दिखते हैं तो मुंह मारने के लिए चल पड़ती हो। ऐसा सुनकर इसके डैड इसके ऊपर हाथ उठाने वाले होते हैं और कहते हैं कि तुम्हें अपनी बहन से बात करने की तमीज नहीं है। तो फिर ये कहती है कि वो मेरी बहन हो ही नहीं सकती, जो कि मेरे ही होने वाले फियांसे के साथ वन नाइट स्टैंड कर रही हो, उसी बेड पर सो रही हो जिस पर मेरी वेडिंग नाइट होने वाली हो। आखिर ऐसी कैसी बहन हो सकती है। तो फिर इसके डैड इसके ऊपर बहुत गुस्सा करते हैं और ये कहती है कि आप तो इस लायक भी नहीं है कि मैं आपको अपना डैड कहूँ। जब से मम्मा गई है आप कभी भी मुझसे प्यार नहीं करते, आप सिर्फ इस स्टेप मदर और स्टेप सिस्टर इन्हीं दोनों के पीछे पागल रहते हो, इन्हीं लोगों का ख्याल रखते हो। ऐसा कहकर ये यहाँ से चली जाती है। इसके बाद ये वॉशरूम में आकर रो रही होती है और तभी कैंग क्विंग यहाँ आती है और कहती है कि बाहर तो बड़ा स्ट्रॉन्ग बन रही थी और इधर आकर रो रही हो, जरा सोचो अब तुम्हारी रेपुटेशन कितनी ज्यादा खराब हो चुकी है। सब लोग तुम्हें बुरा समझेंगे, उल्टी सीधी बातें करेंगे तुम्हारे बारे में, किसी की भी नज़र में अब तुम्हारी कोई इज्जत नहीं रह गई है। बाहर पूरी फैमिली तुम्हें गालियां दे रही है, तुम्हें कोस रही है। और फिर कैंग नंग कहती है कि मैं जानती थी कि तुम और तुम्हारी माँ दोनों लोग एक जैसे हो, लेकिन छोड़ो मुझे अब तुम लोगों से कोई उम्मीद और ना ही कोई मतलब है। तो फिर कैंग किंग कहती है कि वह एक सीक्रेट बताना था तुम्हारी मम्मा की मौत के बारे में। ऐसा सुनकर कैंग लिंग हैरान हो जाती है और फिर कैंग लिंग पूरी बात बताती है। और कैंग लिंग बताती है कि जिस दिन तुम्हारी मम्मा ने सुसाइड कमिट करा था उस दिन ये कहा गया था कि उस दिन घर में कोई भी नहीं था, लेकिन ऐसा बात नहीं है। उस दिन मैं घर में थी, तुम्हारी मम्मा ने मेरे सामने अपनी कलाई काटी और उनके हाथ से बूंद बूंद करके सारा खून निकलता गया। मैं बैठ कर ये सारा कुछ देख रही थी, मेरे सामने उनकी जान गई है। वेल मैं इमरजेंसी नंबर पर कॉल करना भी भूल गई थी, किसी को बताना भी भूल गई थी। ऐसा सुनकर कैंग लिंग को बहुत गुस्सा आता है और कहती है कि तुम्हारे सामने मेरी मम्मा मर रही थी और तुमने न इमरजेंसी नंबर पे कॉल किया न एम्बुलेंस बुलाया, आखिर तुम इतनी बुरी कैसे हो सकती हो। तुम्हारे सामने कोई मर रहा है और तुमने उसकी हेल्प तक नहीं करी। तभी स्टेप सिस्टर यहाँ पर अपने आप को जानबूझकर नीचे गिरा लेती है और ऐसा प्रिटेंड करती है कि कैंग लिंग ने इसे धक्का दिया और इसे बहुत बुरी चोट लगती है, जिस वजह से पूरी फैमिली यहाँ आ जाती है और सभी लोग इसे ब्लेम करने लग जाते हैं कि अगर बेबी को कुछ भी हुआ तो फिर हम तुम्हें नहीं छोड़ेंगे। कैंग लिंग की जो स्टेप मदर होती है वो तो मारना भी शुरू कर देती है ये कहकर कि तुम इतनी ज्यादा ईविल कैसे हो सकती हो, तुम्हें वो छोटा बच्चा नहीं दिख रहा क्या, उसके पेट में बेबी है और तुमने उसके ऊपर हाथ उठाया। ये कहती है कि मैंने हाथ नहीं उठाया है। कैंग किंग प्रिटेंड कर रही है गिरने का, मैंने उसे धक्का नहीं दिया है। और मैं आप लोगों को एक बात बताती हूँ, इसने अभी मुझसे कहा कि मेरी मम्मा ने इसके सामने सुसाइड कमिट करा और ये बैठकर मेरी मम्मा को मरते हुए देख रही थी। ऐसा सुनकर यू चैन कहता है कि जो भी था तुम्हारी मम्मा अब इस दुनिया में नहीं, कैंग किंग है और इसके पेट में बेबी भी है, तुम इतनी इविल कैसे हो सकती हो, मैंने ये एक्सपेक्ट नहीं करा था कि तुम ऐसा करोगी। मैं मानता हूँ कि मैंने गलती करी तुम्हें चीट करके, मैंने बहुत बड़ी गलती करी, लेकिन तुमसे तो ये उम्मीद नहीं थी कि तुम एक बच्ची के साथ ऐसा कर सकती हो, एक माँ बनने वाली वुमन के साथ ऐसा कर सकती हो। इसके बाद स्टेप मदर इसे बहुत स्कोल्ड करती कि अगर मेरी बच्ची को तुमने कुछ भी करा तो जरूरत पड़ने पर मैं तुम्हारी जान भी ले सकती हूँ। ये कैंग लिंग को मार ही रही होती है कि तभी यहाँ पर मो यू आ जाते हैं। कैंग लिंग के डैड अपनी वाइफ को इशारा करते हैं कि मो यू है उसे छोड़ो, और फिर मो यू कहते हैं कि ये सब यहाँ क्या हो रहा है। तो कैंग लिंग के डैड कहते हैं कि ये फैमिली मैटर है, इसने हमारी बेटी को नुकसान पहुँचाने की कोशिश करी जो कि इस वक्त प्रेग्नेंट है, तो हमें इसे सबक सिखाना ही होगा। मो यू कहता है वेल मैंने पुलिस बुला दिया है। ऐसा सुनकर कैंग लिंग कहती है कि तुम
तो कम से कम ऐसा मत करो। तुम यूँ कहता है पुलिस मैंने इसलिए बुलाया है ताकि जो भी सच्चाई है तुम उन्हें बता सको। हम एक तरफ कैंग किंग को देखते हैं जिसका मिसकैरेज हो गया होता है और यू चेन उसे दिलासा दे रहा होता है कि तुम्हें इस वक्त अपना ख्याल रखना होगा, और ऐसा सुनकर ये रोने धोने का नाटक करती है। वेल, सारा प्लान तो इसी का होता है और ये खुद उस बेबी को नहीं पालना चाहती थी, ये खुद इतनी जल्दी प्रेग्नेंट नहीं होना चाहती थी। हमें तो ये भी पता चलता है कि ये बच्चा यू चेन का नहीं बल्कि किसी और का था, इसीलिए इसने मिसकैरेज करने का प्लान बनाया ताकि फ्यूचर में इसके लिए कोई प्रॉब्लम ना हो सके। वेल, इसके बाद ये इससे पूछती है कि हमारा बच्चा तो अब हमारे बीच नहीं रहा, लेकिन मैं जानती हूँ कि तुम मुझे नहीं छोड़ोगे। बोलो यू चेन, तुम उससे शादी करोगे ना? लेकिन यू चेन का फेस देखकर हमें साफ समझ में आता है इसके साथ इंटीमेट होकर अपनी लाइफ की सबसे बड़ी गलती करी है कैंग लिंग को चीट करके, और इसे इस चीज का अफसोस भी होता है। वेल, ये इसे कोई जवाब नहीं देता है और कहता है कि शादी वादी की बात में भी हम कर लेंगे, फिलहाल के लिए तुम्हें अपना ख्याल रखना चाहिए। इसके बाद यहाँ पर कैंग किंग की मम्मा आती है और इसे अच्छा खासा सुनाती है कि जब तुम्हें मिसकैरेज ही करना था तो एटलीस्ट मुझे बता देती, तुम मुझे बिना बताए सब कुछ कर रही हो। अब तुम्हारा तो मिसकैरेज भी हो गया है, अब ये शादी तुम कैसे करोगी? एटलीस्ट कम से कम तुम्हें शादी जल्द से जल्द करनी चाहिए थी, उसके बाद मिसकैरेज कर लेती तुम। तो फिर ये अपनी मम्मा से कहती है कि मम्मा, मुझे तो ये बच्चा चाहिए ही नहीं था, मैं आपको बता दूं कि ये बच्चा यू चेन का था ही नहीं, तो अगर ये इस दुनिया में आता तो हमारे लिए प्रॉब्लम क्रिएट करता, इसीलिए मैंने प्रॉब्लम को पहले ही खत्म कर दिया। और यहाँ से इस माँ बेटी का ईविल साइड हमें दिखाई देता है कि ये दोनों कितने ज्यादा ईविल हैं। इसके बाद इसकी मम्मा कहती है कि वेल, अब तुम्हारा नेक्स्ट प्लान क्या है? तो फिर ये बताती है कि नेक्स्ट टारगेट तो मेरा मोयू है, क्योंकि वो बहुत ही ज्यादा रिच है। मुझे तो ये भी लगता है कि कैंग लिंग को ब्लैक गोल्डन कार्ड भी उसी ने दिया है। कैंग लिंग को मैं कभी भी सुकून और खुशी से नहीं रहने दूंगी, जो भी चीजें वो पाना चाहती है वो चीजों को मैं हासिल करूंगी। तो मोयू कैसी चीज है, इसे भी मैं अपने जाल में फंसा ही लूंगी। वैसे मुझे लगता है कि मोयू भी मुझ में इंटरेस्टेड है, अगर वो मुझ में इंटरेस्टेड नहीं होता तो उस रात वो मुझे स्पेशली इनवाइट करने के लिए कार से क्यों आता? अब इसे क्या ही पता कि वो उस रात कार से क्यों आया हुआ था। ये फालतू का अपने दिमाग में गलत फहमी बना कर रखी है और इमेजिन करती रहती है कि मोयू या तो फिर कोई भी इसे लाइक करता है। इसकी मम्मा इसे ऑल द बेस्ट कहती है कि आई होप तुम्हारा नेक्स्ट टारगेट पूरा हो जाए और जो तुम चाह रही हो वो तुम अचीव कर लो। और तभी यहाँ पर मोयू आते हैं। मोयू इसे कहते हैं कि मैंने सुना कि तुम्हारे साथ बहुत ही बुरा हुआ, मुझे ऐसा सुनकर बहुत ही बुरा लगा। ये मनी मन में खुश हो रही होती है और इमेजिन कर रही होती है कि जरूर ये मुझे लाइक करता है, तभी तो ये मुझे यहाँ देखने के लिए आया है। लेकिन तभी मोयू कैंग लिंग की बात उठाते हैं और कहते हैं कि देखो, जो हुआ सो हुआ, लेकिन अब मैं चाहता हूँ कि तुम कैंग लिंग को छोड़ दो, तुम फालतू का उसके ऊपर केस वगैरह कर रही हो। ऐसा सुनकर ये हैरान हो जाती है और कहती है कि वेल, आप यहाँ मेरे लिए नहीं बल्कि कैंग लिंग के लिए आए हुए हैं। वेल, मुझे जहाँ तक मालूम है कि पुलिस तो आपने ही बुलाया था, तो फिर अब आप केस वापस करने की बात क्यों कर रहे हैं? यहाँ पर सेक्रेटरी बताता है कि आप लोगों ने वहाँ पर जो भी हरकतें करी थी वहाँ पर सीक्रेट कैमरा इंस्टॉल कराया गया था जो कि सारी चीजें रिकॉर्ड हो चुकी हैं। मोयू सर, हम खा किसी को परेशान नहीं करना चाहते, इसीलिए वो उन फोटेज को बाहर नहीं आने देना चाहते, हालांकि ये लोग ऐसा झूठ बोल रहे होते हैं। कैंग लिंग कहती है कि मोयू यंग मास्टर, भला बताइए अब मैं क्या करूँ, क्या मुझसे करवाना चाहते हैं? तो फिर ये कहता है कि तुमने जो केस करा है बस वो वापस ले लो। ये कहती है कि ये तो हमारा फैमिली मैटर है, तो फिर आप इतना परेशान क्यों हैं? तो ये कहता है कि मैंने चाहता कि मैं जिस कंपनी के साथ पार्टनरशिप कर रहा हूँ उस कंपनी पर झूठ मूठ के इस तरह के इल्जाम हो, मैं अपनी कंपनी पर भी कोई दाग नहीं आने देना चाहता और ना ही अपनी कंपनी की वजह से किसी और की कंपनी बदनाम करना चाहता हूँ, तो मैंने जैसा तुम्हें कहा है तुम्हें वैसा करना होगा। नेक्स्ट सीन में हम कैंग लिंग को देखते हैं और ये इस वक्त बहुत ही बुरी कंडीशन में होती है, ये सब कुछ इसकी स्टेप सिस्टर ने कराया हुआ होता है। और तभी यहाँ पर अंकल यू आते हैं, ये इसके स्टेप सिस्टर के चाचा जैसे लगते हैं, तो नॉर्मल सी बात है कि ये कैंग किंग को ज्यादा मानते हैं। ये कैंग लिंग को स्कोल्ड करने लग जाते हैं कि तुम्हारी वजह से हमारे खानदान का ग्रैंडसन जो कि अब इस दुनिया में नहीं रहा, तुम्हारी वजह से मेरी भतीजी का मिसकैरेज हुआ, और ये इसे खूब स्कोल्ड करते हैं कि ये इसके ऊपर हाथ भी उठाते हैं। ये इसे यहाँ पर मार कर खत्म ही करने वाले होते हैं कि तभी इन्हें कॉल आता है और ये कॉल किसी और ने नहीं बल्कि मोयू ने करवाया हुआ होता है। कैंग लिंग के साथ कुछ भी मत करना, जो भी केसेस है वो सारा कैंग किंग वापस ले रही है। ऐसा सुनकर ये कैंग लिंग से कहता है
कि शायद तुम्हारा दिन आज लकी था, इसीलिए तुम बच गई, नहीं तो मेरे हाथों से तुम नहीं बचती। इसके बाद यहाँ पर मोयू आता है। मोयू यहाँ आकर इसे समझाता है कि अब टाइम है सभी से रिवेंज लेने का, और इस चीज में मैं तुम्हारी पूरी मदद करूंगा, तो चलो उठो और निकलो यहाँ से मेरे साथ। लेकिन ये सवाल करती है कि मोयू तुम मुझ पर इतना रहम क्यों करते हो, तो फिर ये कहता है क्योंकि तुम मेरी वाइफ हो, और जब तक तुम डिवोर्स का नाम नहीं लेती तब तक मैं तुम्हें ऐसे ही सपोर्ट करता रहूंगा। ये इसे कहती है कि वेल हमारा जो रिश्ता है वो सिर्फ 2 साल तक के लिए है, 2 साल बाद हम दोनों को डिवोर्स लेना होगा। ऐसा सुनकर ये इसे कुछ भी नहीं कहता है, और मनी मन में ये कहती है कि 2 साल के अंदर अंदर अपनी स्टेप मॉम, अपने डैड और कैंकिंग, उन सबको मैं सबक सिखाऊंगी जिन लोगों की वजह से आज मेरी माँ इस दुनिया में नहीं है। उन सभी को मैं मजाज खाऊंगी जो लोग मेरे मम्मा के दौलत पर ऐश कर रहे हैं, और सभी से ये रिवेंज लेने का खुद से प्रॉमिस करती है। वेल नेक्स्ट सीन में ये अपने डैड के घर पर आती है। जब ये यहाँ पर आती है तो इसके डैड कहते हैं तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई यहाँ पर आने की, तो ये कहती है मेरी हिम्मत क्यों नहीं होगी यहाँ आने की, आखिर मुझे किसने रोका है। इसके डैड कहते हैं कि तुम कितनी बेशर्म इंसान हो, तुमने कैंकिंग को ऐसा माना कि उसका मिसकैरेज हो गया, तुम्हारी वजह से अब उसका बच्चा नहीं रहा। उसके डैड फाइनली कैंकिंग को कह देते हैं कि आज के बाद तुम मेरी बेटी नहीं हो, तुम इस लायक बिल्कुल भी नहीं हो कि मैं तुम्हें अपनी बेटी कह सकूं, आज के बाद हम दोनों का कोई रिश्ता नहीं है। और ऐसा कहकर ये इन दोनों के बीच के रिश्ते को खत्म कर देते हैं। इस वजह से कैंकिंग को बहुत ही हर्ट होता है, और फिर ये यहाँ से चली जाती है बाहर। इससे इसकी स्टेप सिस्टर मिलने के लिए आती है, फिर भी इसे नहीं छोड़ती और इसे अच्छा खासा सुनाती है। कहती है कि मैंने कहा था ना कि अब ये फैमिली तुम्हारी नहीं रही, और सभी लोग तुमसे बहुत नफरत करते हैं, सभी लोग अब मुझसे प्यार करते हैं। तो कैंकिंग कहती है यूचैन का क्या करोगी, यूचैन तो अब देखना तुमसे शादी भी नहीं करेगा। तो कैंकिंग कहती है कि तुम्हें क्या लगता है कि मैं यूचैन से सच में प्यार करती हूँ, मैं तो सिर्फ उसे यूज कर रही थी। वो क्या है ना, जो चीजें तुम्हें पसंद है, जो चीजें तुम्हारे पास है, उन्हें बस मैं यूज करना जानती हूँ, वो चीजें कभी मुझे पसंद नहीं होती है। यूचैन तुम्हारा होने वाला हस्बैंड था, और मुझे ये चीज बर्दाश्त नहीं हो रही थी कि वो तुम्हें कैसे पसंद कर सकता है, इसीलिए मैंने बस उसे सिड्यूस करा और तुम दोनों के रिश्ते में खोट डाला। ऐसा सुनकर कैंकिंग को काफी बुरा लगता है। कैंकिंग तो इसे ये भी कहती है कि एल्डर सिस्टर, मुझे ना तुम्हें हर्ट करने में बहुत मजा आता है, जब तुम इस तरह से परेशान होती हो और जब तुम्हें लोग इस तरह से धक्के मार कर निकालते हैं तो मैं अंदर ही अंदर बहुत खुश होती हूँ। और तभी कैंकिंग कहती है वेल मैंने गलती से रिकॉर्ड का बटन ऑन कर दिया था, और अभी तक तुमने जितनी भी बकवास करी है वो सारी चीजें रिकॉर्ड हो गई हैं, तो अब बताओ तुम क्या करोगी। ऐसा सुनकर कैंकिंग कहती है कि अपना फोन मुझे दो, तुम ये रिकॉर्डिंग कैसे कर सकती हो। कहती है कैंकिंग कि वेल जो भी हो रिकॉर्डिंग ही तो करा है, मैं तुम्हें बता दूं कि अभी भी तुम्हारे पास टाइम है तो मुझसे माफी मांग लो घुटनों पर बैठकर, नहीं तो जब मेरी मिस्टर मो से शादी हो जाएगी तो फिर ना तो तुम किसी कंपनी में काम करने लायक रहोगी और ना ही मैं तुम्हें माफ करूंगी, तो फिर तुम कहां जाओगी। कैंकिंग कहती है वेल मैं वेट करूंगी कि तुम कब बनती हो मिसेस मो, कहीं ऐसा ना हो कि तुम्हें अगला जन्म लेना पड़े। ऐसा कहकर ये यहां से चली जाती है, और कैंकिंग की ईगो हर्ट हो जाती है। नेक्स्ट सीन में ये मिस्टर मो के पास आकर कहती है कि मुझे कंपनी ज्वाइन करना है, तो ये कहता है कि हाँ मुझे खुश करो तो फिर तुम कंपनी ज्वाइन कर सकती हो, इतनी भी कोई बड़ी बात नहीं है। तो ये कहती है ठीक है। अब नेक्स्ट सीन में जब ये इसे खुश करने के लिए आती है तो फिर ये अपना जैकेट उतार कर कहती है कि बताइए मैं क्या करूँ, और तब ये चारों तरफ देखती है कि ये तो मीटिंग में बैठा हुआ होता है, और यहाँ पर इसे बहुत ही एम्बैरस फील होता है। ये तुरंत शर्मा कर यहाँ से भाग जाती है, और फिर मिस्टर मो इसके रूम में आते हैं अपनी मीटिंग खत्म करके। ये कहती है कि मीटिंग इतनी जल्दी खत्म कैसे हो गया, तो मो कहते हैं कि मेरी मीटिंग तो तभी खत्म हो गई थी जब तुम मुझे खुश करने के लिए आई थी, उसके बाद तो कुछ रही नहीं गया था मीटिंग करने के लिए। और फिर ये दोनों मिलकर साथ में नाइट स्पेंड करते हैं, ये इसे खूब किसेस वगैरह करता है। वेल नेक्स्ट मॉर्निंग इसके एक्स फियांसे का कॉल आता है यूचैन का। यूचैन इसके पीछे पड़ चुका होता है, इससे माफी मांग रहा होता है कि तुम्हारी स्टेप सिस्टर ने मुझे सीड्यूस करा था, अब तो वो बेबी भी हमारे बीच नहीं रहा, जो भी था सब खत्म हो गया, मुझे मेरी गलती का रियलाइज हो गया, प्लीज मुझे माफ कर दो इस बार, नेक्स्ट टाइम से मैं ऐसा कुछ कभी भी नहीं करूंगा। ये कहती है कि तुमने हमारी वेडिंग बेड नाइट तक नहीं छोड़ा, तो वो कहता है कि मैंने वो बेड भी चेंज कर दिया है, रूम भी चेंज कर दिया है। तो ये कहती है ये फालतू के एक्सक्यूजेस देना बंद करो और दोबारा से मुझे कभी कॉल मत कर। मोयू इसे कहता है कि ये तो तुम्हारा ज्वाइनिंग लेटर, तुम कंपनी एज अ इंटर्न ज्वाइन कर रही हो, और जाओ अपने लिए कुछ शॉपिंग वगैरह करके आओ। ये सेक्रेटरी के साथ में शॉपिंग करने के लिए मॉल आई हुई होती है, तभी यहाँ पर अपने स्टेप सिस्टर को किसी लड़की के साथ देखती है, और हमें
ही पता चलता है कि ये लड़का वही है, अभी अभी मिसकैरेज हुआ है। वो बच्चा यूचैन का नहीं बल्कि इस फॉरनर का होता है। कैंगलिंग को पता चलती है कि वो बच्चा यूचैन का नहीं बल्कि इसका था, तो इसके भी होश उड़ जाते हैं। ये फॉरनर कहता है कि ये तो वही लड़की है ना जिसके बारे में तुम मुझे हमेशा बताती हो, ये तुम्हें बहुत ज्यादा परेशान करती है, हर्ट करती है ना। तो फिर ये कैंगलिंग से पंगे लेने के लिए आता है, लेकिन सेक्रेटरी इसे अच्छा खासा मजा चखाता है। कैंगलिंग कहते हैं कि ये बंदा तुम्हारे साथ कौन है, जरूर तुम्हारा बॉयफ्रेंड होगा, इसी के साथ तुम याशियां करती हो ना। लेकिन कैंगलिंग इसे इग्नोर करके यहाँ से चली जाती है। एक सीन में हम कैंगलिंग को देखते हैं जो कि मिस्टर चैन के साथ होती है, और यहाँ पर ये यूचैन से पूछ रही होती है कि बेबी अब तो हमारा बच्चा भी हमारे बीच में नहीं है, मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि तुम उसे शादी नहीं करोगे, चलो ना हमें जल्द से शादी कर लेनी चाहिए। यूचैन कहता है कि देखो मुझे रियलाइज हो गया है मेरी गलती का, मैंने बिल्कुल भी अच्छा नहीं किया कैंगलिंग को चीट करके, तो फिर जो भी हमारे बीच था मैं उस चीज को कब का खत्म कर चुका हूँ, अब तो बेबी भी हमारे बीच नहीं रहा तो हमारे रिश्ते का कोई मतलब ही नहीं है, मैं एक गलती के वजह से तुम्हें लाइफ टाइम के लिए अपनी वाइफ नहीं बना सकता, मैं अभी भी कैंगलिंग से ही प्यार करता हूँ और हमारी शादी में कैंसिल करता हूँ। ऐसा सुनकर तो कैंगलिंग एकदम गुस्से में आ जाती है और इससे कैंगलिंग से दिन पर दिन नफरत होती जाती है। आंधी यूचैन कैंगलिंग को मनाने के लिए चला जाता है, ये इसके लिए रोजेस लेकर आया हुआ होता है और इसे रिक्वेस्ट कर रहा होता है कि चलो हम साथ में रहते हैं, मैं कैंगलिंग से प्यार नहीं करता बल्कि तुमसे प्यार करता हूँ और हमेशा तुमसे ही करता रहूंगा, लेकिन ये इसे मना कर देती है। और यहाँ पर जो कैंगलिंग का सेक्रेटरी होता है वो भी कहता है कि मिस्टर तुम्हें दिख नहीं रहा कि मैम तुम्हें दूर रहने के लिए कह रही है, तो फिर तुम इनका पीछा करना बंद करो नहीं तो मुझे स्ट्रिक्ट एक्शन लेना पड़ेगा। ऐसा देखकर यूचैन कहता है कि ओ तो तुम्हारा नया बॉयफ्रेंड ये है जिसके दम पर तुम इतना उछल रही हो, तुमसे भी रहा नहीं गया ना, दूसरे मर्दों के साथ में घूम रही हो, कुछ ही दिन हुए थे मेरी लाइफ से तुम्हें गए हुए और इतनी जल्दी तुम्हें नया बंदा भी मिल गया, कितनी बड़ी गेम प्लेयर हो। तो कहता है कि तुम बहुत ही चालाक हो, तो फिर ये कहती है कि जैसे भी हो मैं तुम्हारे जैसे तो बिल्कुल भी नहीं हो, और ऐसा कहकर ये यहां से चली जाती है। और ये चैन को बहुत ही गुस्सा आता है कि ये कैंगलिंग को मना नहीं पा रहा है। कैंगलिंग को एक न्यूज के जरिए पता चलता है कि मोयो मोमो के घर पर फैमिली डिनर पर गए हुए हैं और वो इस बात से बहुत ही जेलसी फील करती है क्योंकि इसे मोमो के बारे में हर एक बात मालूम है। और फिर ये सेक्रेटरी से कहती है कि चलो मेरे जितना भी सामान है वो सब मोयू के रूम से निकाल कर मैं शिफ्ट कर दो, मैं अब से गेस्ट रूम में रहूंगी। सेक्रेटरी इसकी बात नहीं मान रहा होता है, तो फिर ये कहती है वेल ये काम मैं खुद से कर लूंगी। और जब ये सामान लेकर जा रही होती है तभी यहाँ पर मोयू आ जाता है, कहता है सामान लेकर कहाँ जा रही हो, तो ये भी एकदम जेलसी होते हुए नखरे दिखाते हुए कहती है कि तुम तो मोमो से मिलने के लिए गए थे, उसके घर पर फैमिली डिनर पर गए थे, ऑब्वियसली कुछ टाइम बाद तुम शादी भी कर लोगे और फिर तुम मुझे छोड़ दोगे, तो हम और तुम साथ ही क्यों रह रहे हैं, मुझे तो तुमसे अलग और दूर रहना चाहिए, तुमसे दूरी बना कर रहना चाहिए। तो मोयू कहता है आई थिंक तुम्हें जेलसी हो रही है, ये कहती है हुँ? जेलसी मुझे बिल्कुल भी नहीं। फिर ये इसे जबरदस्ती रूम में उठा कर ले आता है और इसे किस करने लग जाता है, इसके साथ इंटीमेट होने लग जाता है। वह अगले दिन से ये कंपनी ज्वाइन करती है, लेकिन ये क्या यहाँ पर इसकी बॉस कोई और नहीं बल्कि कैंगकिंग होती है, और ऐसा देख कर ये हैरान हो जाती है। कैंगकिंग कहती है कि वेल मैं तुम्हारी बॉस हूँ और अब तुम्हारी हर चीजों का ख्याल मैं रखूंगी। इनमें हम मोमो को देखते हैं जिसे एक सेक्रेटरी आकर बताती है कि कुछ दिन पहले मोयू सर हॉस्पिटल में अपने एक स्टाफ से मिलने के लिए गए थे जिसका नाम है कैंगकिंग। ऐसा सुनकर मोमो को काफी गुस्सा आता है और ये कहते हैं कहीं ऐसा तो नहीं कि वो गायनेकोलॉजिस्ट के पास गए थे, और ऐसा सोचकर ये बहुत ही गुस्सा कर रही होती है कि कैंगकिंग की हिम्मत कैसे हुई मोयू को सिड्यूस करने की। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि मोयू का दिमाग बिल्कुल भी ठीक नहीं होता है और वो काफी गुस्से में होता है, जिस वजह से वो काफी ज्यादा ड्रिंक करके घर पर आता है और फिर कैंगलिंग इसका ख्याल रखती है। ये कैंगलिंग को कहता है प्रॉमिस करने के लिए कि ये इसे कभी छोड़ कर नहीं जाएगी। और फिर हम अगले दिन देखते हैं कि कैंगलिंग ऑफिस आ रही होती है और अपने डैड को जब ये इग्नोर करती है तो इसके डैड कहते हैं कि तुम्हारी इतनी हिम्मत कि मैं यहाँ खड़ा हूँ और तुम मुझे इग्नोर करके जा रही हो, तो फिर ये कहती है कि हम दोनों के बीच में जब कोई रिश्ता ही नहीं है तो फिर मैं आपको इग्नोर क्यों ना करूँ। कहते हैं कि इसकी मम्मा जो इतनी बड़ी कंपनी छोड़ कर गई है उसे ज्वाइन करने के लिए क्योंकि इनसे कंपनी संभल नहीं रही होती है और ये अपनी बेटी का हेल्प लेना चाह रहे होते हैं, तो फिर ये कहती है आप भूल गए क्या कि आपने तो मुझे हमेशा के लिए इस रिश्ते से आजाद कर दिया है कि हम दोनों बाप बेटी नहीं है, तो फिर कैसा हेल्प और कैसा
रिश्ता। ऐसा कहकर ये यहाँ से चली जाती है। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि जब ये ऑफिस से निकल रही होती है तभी पीछे से कैंग किंग आकर इसके कंप्यूटर पर कुछ कर रही होती है। फ्यू चिन कैंगलिंग को आकर मना रहा होता है कि प्लीज मैं जानता हूँ कि तुम मुझे देखना भी नहीं चाहती, लेकिन प्लीज आज मेरा बर्थडे है, एटलीस्ट कम से कम लास्ट डिनर तो तुम मेरे साथ कर ही सकती हो। ये इसकी बातों से बहुत ही ज्यादा वो हो जाती है कि ये कितनी ज्यादा पत्थर दिल बन रही है, इसीलिए इसकी बात मानकर इसके साथ डिनर के लिए चली जाती है। और तभी हम यहाँ पर मोयू को देखते हैं। मोयू कैंग किंग को देखकर कहते हैं कि इतनी रात हो गई, तुम अभी तक कंपनी में क्या कर रही हो? तो ये झूठ कहती है, साइन करने में इतनी ज्यादा खो गई थी कि मुझे टाइम का कोई अंदाजा ही नहीं था, टाइम पर मैंने ध्यान ही नहीं दिया। ये कहती है, यंग मास्टर मैं एक बात जानने के लिए हमेशा से क्यूरियस रही करती हूँ, मुझे जानना है कि मेरे जो डिजाइन है वो बिल्कुल भी एवरेज है, तो फिर आपने मुझे इस कंपनी के लिए चूज क्यों करा? इन दोनों की बातें छुप कर सुन रही होती है, इसीलिए उसे जेलस फील कराने के लिए ये कैंग किंग से कहता है कि मैं बहुत से एक्सेलेंट डिजाइनर्स को जानता हूँ, लेकिन एक ही डिजाइनर ऐसी है जिसे मैं लाइक करता हूँ। और कैंग किंग को लगता है कि ये मेरी बात कर रहा है, लेकिन ये तो ऐसा मोमो को जलाने के लिए कहता है। ऐसा कहकर ये यहाँ से चला जाता है। तभी मोमो इसके पास आती है और कहती है कि तुम अभी कैंग किंग से जो कह रहे थे मैंने वो सब सुन लिया, तुम दोनों के बीच में आखिर चल क्या रहा है? देखो कि मैं तुम्हारे होने वाले फियांसे हूं और मैं तुम्हारे पेरेंट्स की चॉइस हूं, और जहां तक मुझे मालूम है कि तुम अपने पेरेंट्स की चॉइस को ठुकरा नहीं सकते। फिर भी ये इसकी बातों को इग्नोर करके चला जाता है, जिस वजह से इसे कैंग किंग के ऊपर काफी गुस्सा आता है। और मोमो मनी मन में प्लान कर रही होती है उसे सबक सिखाने का। एक तरफ हम कैंग किंग को यू चैन के साथ देखते हैं। यू चैन कह रहा होता है कि तुम्हें याद है कि हम इस रेस्टोरेंट में अक्सर आया करते थे। ये कहती है, वेल जल्दी डिनर करो, हमें यहाँ से जाना भी है। तो फिर ये इसे फिर से रिक्वेस्ट करने लग जाता है कि क्यों नहीं तुम उससे शादी करना चाहती, आखिर मुझमें प्रॉब्लम क्या है? मैंने सिर्फ एक बार गलती करी है जो कि तुम माफ कर सकती हो। उसका ऐसा बिहेवियर देख कर गुस्सा हो जाती है और फिर यहाँ से चली जाती है, जिस वजह से यू चैन को काफी गुस्सा आता है और फिर ये इसे किडनैप करने की कोशिश करता है, इसे हर्ट करने की भी कोशिश करता है। लेकिन टाइम रहते ही वो यू आ जाते हैं और वो कैंगलिंग को बचा लेते हैं, और तो और यू चैन को धमकी भी देते हैं, नेक्स्ट टाइम से कैंगलिंग के आस पास भी मत आना, नहीं तो तुम्हारे साथ बहुत ही बुरा होगा। और फिर ये इसे घर पर लाकर इसे मेडिसिन वगैरह लगाते हैं क्योंकि यू चैन की वजह से इसे चोट भी लग गई होती है। ये मोयू को कहते भी है कि मैं उससे मिलना नहीं चाहती थी और ना ही मैं उसके साथ डिनर पर जाना चाहती थी। तो फिर मोयू अचानक से गुस्सा हो जाता है और कहता है कि तुम अपनी आइडेंटिटी भूल गई हो, कि तुम मेरी वाइफ हो, मैंने तुम्हें मना करके रखा है बाहर ऐसे किसी भी मैन से मिलने के लिए, तो फिर तुम ये गलती कैसे कर सकती हो? ये कहती है कि वो सिर्फ मैं लास्ट बार उससे मिलने के लिए गई थी कि उसे सारी चीजें हम दोनों के बीच में क्लियर करके एंड करना था, इसीलिए मैंने सोचा कि मैं लास्ट टाइम उसके साथ डिनर करके सारी चीजें क्लियर कर लूं, मुझे नहीं मालूम था कि वो मेरे साथ कुछ ऐसा करेगा। मोयू कहता है कि तुमने सोचा भी है कि अगर मैं आने में थोड़ा सा भी लेट करता तो तुम्हारे साथ क्या हो सकता था? मैं तुम्हें इस बार तो सेव कर सकता हूँ, लेकिन अगर ये गलती नेक्स्ट टाइम करती हो तो फिर मैं क्या करूँगा? मैं तुम्हें कैसे सेव करूँगा? तो फिर ये इसे किस कर लेती है क्योंकि ये इसकी आँखों में अपने लिए प्यार देखती है। वेल नेक्स्ट डे जब ये ऑफिस आते हैं तो इसे पता चलता है कि इसके जो डिजाइन होते हैं वो इसकी स्टेप सिस्टर ने चोरी कर लिए होते हैं। तो फिर ये अपनी स्टेप सिस्टर के पास आती है और उसे कहती भी है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे डिजाइन चोरी करने के? तो कैंग किंग कहती है कि वेल तुम्हारी बातों पर बिलीव कौन करेगा कि मैंने तुम्हारे डिजाइन चोरी करे हैं, मिस्टर मो भी मुझ पर ही बिलीव करेंगे, तुम्हें तो कोई यहाँ सपोर्ट ही नहीं करेगा। और फिर यहाँ पर मोमो आते हैं, यानी कि मोयू की होने वाली फियांसे, और वो डायरेक्टली कहती है कि तुम्हें ऐसा क्यों लगता है कि मोयू तुम पर ट्रस्ट करेगा या फिर सभी लोग तुम पर बिलीव करेंगे? मैं मोयू की फियांसे हूँ और वो मेरी बातों पर बिलीव करेगा। तो कैंग किंग कहती है कि भले ही आप उसकी होने वाली फियांसे हो, लेकिन मोयू सर मुझे लाइक करते हैं और वो मेरी बातों पर बिलीव करेंगे, एंड मैंने सुना है कि आपका और मोयू सर का रिलेशन कुछ अच्छा नहीं है, आप फालतू का उनके गले पर पड़ी हुई है। ऐसा सुनकर मोमो को काफी गुस्सा आता है। यहाँ पर मोमो कैंग किंग को सपोर्ट करने की कोशिश करती है, ये सोचकर कि कैंग किंग तो मोयू के पीछे पड़ी है, क्यों ना इसकी रेपुटेशन खराब करी जाए। लेकिन कैंग किंग को किसी की सपोर्ट की जरूरत नहीं है और ये यहाँ पर रिकॉर्डिंग दिखाती है और कहती है कि मुझे पहले ही तुम पर शक हो गया था, इसीलिए मैंने कैमरा इंस्टॉल करा दिया था, और अब तो मेरे पास एविडेंस भी है कि ये डिजाइन मेरे हैं और तुमने चोरी किए हैं। इसी के बाद मोमो कैंग किंग से कहती है कि अब तो मैं तुम्हें फायर करती हूँ और अब तुम्हें कोई भी बचा नहीं सकता। नेक्स्ट सीन में कैंग किंग मोयू के पास आकर कहती है कि ऑफिस में मुझे पता चला है कि तुम्हारा और कैंग किंग का कुछ चल रहा है, आखिर तुम दोनों के बीच में क्या चल रहा है? यहाँ पर ये काफी गुस्सा करती है कि एक तरफ मोमो जो कि हर तरफ कहती फिरती है कि वो तुम्हारी फियांसे है, और एक तरफ कैंग किंग जो कि ये कहती है कि तुम उसे लाइक करते हो, आखिर मेरा तुम्हारे लाइफ में वजूद क्या है? जब तुम मुझे पसंद ही नहीं करते तो मुझे अपने साथ क्यों रखे हुए हो?
वेल मिस्टर मू यूएस आ क्यों कर रहे हैं, कैंगलिंग की तरफ इतना मर्जी क्यों दिखा रहे हैं, और अभी तक किसी को ये क्यों नहीं बताया कि कैंगलिंग की इनकी लीगल वाइफ है। मिस्टर मू यूएस आ इसलिए कर रहे हैं क्योंकि कैंगलिंग को हर तरफ से खतरा है। एक तरफ मोमू जो की एकदम खतरनाक औरत है, अगर उसे कैंगलिंग के बारे में पता चला कि ये मोयू की वाइफ है तो फिर वो इसके साथ बहुत ही बुरा कर सकती है। एक तरफ कैंगलिंग जो कि कैंगलिंग की खुद की बहन होकर भी सबसे बड़ी दुश्मन है, इसीलिए उसके साथ झूठ मूठ कर रिलेशनशिप ये प्रिटेंड करते हैं ताकि दुनिया वाले ये सोचे कि इनका ऑफिस में किसी के साथ अफेयर चल रहा है, और ये मोमू की तरफ ध्यान भी नहीं देते। ऐसा करने से किसी का भी शक कैंगलिंग के ऊपर नहीं आएगा, लेकिन ये सारी बात अभी कैंगलिंग को नहीं बताते हैं कि आखिर मैं ये सब ऐसा कर क्यों रहा हूँ। इसीलिए कैंगलिंग हर वक्त परेशान रहा करती है कि आखिर आपका कैंगलिंग से क्या चल रहा है। मोमू जो की फियांसी बनी फिरती है, उसी को पता चलेगा कि मैं लीगल वाइफ हूँ, और इसी वजह से ये इससे नाराज हो जाती है। वेल तभी इसे कॉल आता है और ये अपने डैड से मिलने के लिए हॉस्पिटल में आता है। यहाँ पर इसके डैड इसे फोर्स कर रहे होते हैं कि जितना जल्दी हो सके तुम्हें मोमू से शादी करनी होगी, लेकिन ये यहाँ पर डायरेक्टली मना कर देता है कि इस जन्म में तो मैं मोमू से कभी भी शादी नहीं करूँगा। जैसे इसके डैड काफी गुस्सा करते हैं और ये भी बहस करके जब यहाँ से जाने लगता है तो फिर इसके डैड कहते हैं कि उस औरत का नाम कैंगलिंग है ना, तुम्हें क्या लगा था कि मुझे कुछ मालूम नहीं होगा। इसके डैड कहते हैं कि मैं जानता हूँ कि तुम्हें मुझसे थोड़ा सा डर नहीं लगता, लेकिन कैसा होगा अगर मैं कैंगलिंग की जान ले लूं। मैं भले ही बुढ़ा हो गया हूं और मैं बेड पर पड़ा हुआ हूं, लेकिन लोगों की जान लेना मुझे अभी भी आता है। ऐसा सुनकर मोयू काफी डर जाता है क्योंकि ये कैंगलिंग से बहुत ही ज्यादा प्यार करता है और उसके लिए काफी ज्यादा पॉजेसिव है, और उसे हर्ट होता हुआ नहीं देख सकता। और ये इतना ज्यादा गुस्से में आ जाता है कि ये अपने डैड से कहता है कि बेहतर होगा अगर आप मेरी लाइफ से दूर रहें। नेक्स्ट सीन में हम कैंगलिंग को देखते हैं और यहाँ पर इसकी फैमिली आई हुई होती है, और सॉरी फैमिली नहीं, इसकी स्टेप सिस्टर, स्टेप मदर और इसके डैड जो कि इससे कभी प्यार ही नहीं करते, ये लोग यहाँ पर इसे मनाने के लिए आए हुए होते हैं क्योंकि इसके पास एविडेंस होता है कैंगलिंग के खिलाफ कि ये इसके डिजाइन को चोरी कर रही है, और अगर ये डिजाइन कॉन्फ्रेंस में दे देती है तो फिर इसका पूरा करियर चौपट हो जाएगा। इसीलिए इसके मॉम डैड और इसके स्टेप सिस्टर इसे कन्विंस करने के लिए आए हुए होते हैं कि प्लीज ये सारी एविडेंस कॉन्फ्रेंस में ना दे, नहीं तो कैंगलिंग की लाइफ बर्बाद हो जाएगी। इसे मनाने के लिए इसकी स्टेप मदर नाटक भी करती है, घुटनों तले बैठकर इससे भीख मांगती है, लेकिन ये सब दरअसल नाटक होता है जो कि कैंगलिंग साफ साफ समझ रही होती है। ऐसा देखकर इसके डैड काफी गुस्सा करते हैं और कहते हैं कि तुम इतनी ज्यादा हार्टलेस कैसे हो सकती हो, तुम्हारी मदर तुम्हारे सामने घुटनों पर बैठकर तुमसे माफी मांग रही है लेकिन तुम्हें ये नहीं दिख रहा, वो कन्विंस कर रही है तुम्हें लेकिन तुम्हें समझ नहीं आ रहा, एक छोटी सी गलती ही तो की है इसने, तुम इतना बात को बतंगड़ क्यों बना रही हो। और फिर इसके बाद ये लोग इसे यहाँ से जाने के लिए कह देते हैं। तो मोयू को देखते हैं जो कि अपने डैड की वजह से काफी अपसेट होता है और काफी ज्यादा ड्रिंक करके घर पर आया हुआ होता है। कैंगलिंग यहाँ आती है तो कहती है कि तुम घर पर कब आए और मुझे बताए क्यों नहीं कि तुम घर पर आ गए हो। ये यहाँ इसे देखते ही गले लगा कर कहता है कि मैंने दिन भर तुम्हें बहुत मिस करा। यहाँ पर इसके साथ ही जबरदस्ती रोमांस करने लग जाता है, लेकिन कैंगलिंग का मूड अच्छा नहीं होता है इसीलिए बाद में मुंह फुलाकर बैठ जाती है। ये इसके लिए दूध लेकर आता है और कहता है दूध पी लो नहीं तो मैं दोबारा वैसा ही करूंगा, और फिर ये रोने लग जाती है कि मैंने सोचा भी नहीं था कि एक तरफ मेरी फैमिली जो कि मुझे कभी समझती नहीं है, मैं जब तुमसे मिली तो मुझे तुमसे थोड़ी उम्मीद थी कि शायद तुम मुझे समझोगे, लेकिन तुम भी मुझे वैसा ही ट्रीट करते हो, तुम मेरी फीलिंग्स को समझते ही नहीं, इस दुनिया में कोई मुझे नहीं समझता। ऐसा कहकर ये रोने लग जाती है और फिर मोयू इसे सॉरी कहते हुए हग करता है, कहता है कि मेरा कोई वैसा इंटेंशन तुम्हें हर्ट करने का नहीं था, और फिर ये इसे समझाता है। वेल नेक्स्ट सीन में मोमू मोयू से शादी की बात करने के लिए आई हुई होती है, लेकिन ये तो इससे लड़ाई कर बैठता है और कहता है कि मुझे हजार दफा तुम्हें ये समझाना होगा कि मुझे तुमसे शादी नहीं करनी, तो फिर तुम मेरे पीछे क्यों पड़ी हो। इसका ऐसा रूड बिहेवियर देख कर ये रोने लग जाती है और अपने डैड को आकर कहती है कि अब मैं क्या करूं, वो तो मुझसे शादी ही नहीं करेगा। डैड कहते हैं कि तुमसे छोटा सा काम नहीं हुआ, तुम जब एक लड़के को अपने जाल में नहीं फंसा सकती तो तुम क्या ही करोगी, भला तुम एक लड़के को शादी के लिए कन्विंस नहीं कर पाई। यहाँ पर ये अपने डैड से खूब लड़ती है कि आखिर इसमें मेरी क्या गलती है, बचपन से तो मैं उसके साथ हूँ, मुझे क्या पता था कि बड़े होकर उसका बिहेवियर इतना चेंज हो जाएगा। और फिर यहाँ पर इसके डैड इसे कुछ दवा देते हैं और कहते हैं जाओ तुम्हें जैसा समझ में आए करो, मुझे हर एक चीज तुम्हें समझाने की जरूरत नहीं है। आई थिंक ये नशे की दवा होती है और इसके डैड का कुछ गलत इंडिकेशन होता है। नेक्स्ट सीन में ये मोयू से मिलती है तो यहाँ पर चाय बनाकर और वो दवा उसमें मिक्स कर देती है।
लेकिन मोयू बड़ा चालाक होता है और वो इसका बनाया हुआ चाय पीता ही नहीं, बार बार इसे बातों बातों में कन्विंस करने की कोशिश कर रही होती है कि हम दोनों को शादी कर लेनी चाहिए, आखिर प्रॉब्लम क्या है। लेकिन फिर भी ये इसे प्यार नहीं करता, ये तो कैंगलिन से प्यार करता है और चाहे ये कितनी भी कोशिश कर ले ये इससे शादी नहीं करेगा। एक तरफ हम देखते हैं कि कुछ गुंडे कैंगलिन के पीछे पड़े हुए होते हैं और इसके साथ इसका सिक्योरिटी जो कि मोयू ने लगाया होता है वो इसे प्रोटेक्ट करने की कोशिश कर रहा होता है। ये गुंडा कोई और नहीं बल्कि मोयू के डैड ने लगवाया हुआ होता है, क्योंकि वो ऐसे नहीं तो कैसे मोमो से शादी करने के लिए इसे मनाना चाहते हैं और ये किसी भी हद तक जा सकते हैं। ये मोयू को कॉल करके कहते हैं कि कैंगलिन मेरे कब्जे में है, अगर तुम चाहते हो कि मैं उसके साथ कुछ भी गलत ना करूं तो फिर जल्दी से यहां आ जाओ। जब ये अपने डैड के पास जाता है तो फिर इसके डैड इसे मोमो से शादी करने के लिए कहते हैं, लेकिन ये मना करता है और कहता है कि प्लीज कैंगलिन को छोड़ दीजिए। ये घुटने पर बैठकर भीख भी मांगता है। इस वक्त मुझे इसके डैड पर काफी गुस्सा आ रहा होता है कि भला इन्हें मोमो में ऐसा क्या दिख गया कि ये मोमो से शादी करने के लिए अपने बेटे के साथ ऐसा दुर्व्यवहार कर रहे हैं। ये इसे इस चीज के लिए पनिशमेंट भी देते हैं और ये इसे कोड़े से पिटवाते हैं, जिस वजह से बहुत ही हार्म हो जाता है, इसके पीठ से खून निकलने लग जाता है। वेल, तभी यहाँ पर इसका पैरालाइज भाई आता है जो कि इसका अपना ही भाई है, लेकिन ये पैर से पैरालाइज है। ये अपने डैड से रिक्वेस्ट करता है कि अगर आप इसके साथ ऐसा करेंगे तो कंपनी कौन संभालेगा, मैं तो उस लायक हूँ नहीं, अब आप इसके साथ भी ऐसा ही कर रहे हैं। ये अपने आदमी को रोकने के लिए कहते हैं और इसके बाद ये इसे कहते हैं कि अगर कैंगलिन को तुम बेड पार्टनर बनाना चाहते हो तो तुम बना सकते हो, मुझे उससे कोई शिकायत नहीं है, लेकिन मोमो को तो तुम्हें वाइफ ही बनाना पड़ेगा। नेक्स्ट सीन में मोयू के जो फादर होते हैं वो अपने आदमी को कैंगलिन के पास भेजते हैं और वो उसके पास आकर उसके हाथ की नसें काट देता है। मोयू जब कैंगलिन को बचाने के लिए आता है तो फिर कैंगलिन उसे देखते ही बेहोश हो जाती है। मोयू का जो सेक्रेटरी होता है वो इन दोनों को हॉस्पिटल में एडमिट करता है। कैंगलिन को तो होश आ जाता है क्योंकि इसका हाथ ज्यादा डीप कट नहीं होता है, लेकिन जो मोयू होता है उसे होश नहीं आया हुआ होता है क्योंकि उसे बहुत ही ज्यादा चोट लगे होते हैं और ऐसा देखकर कैंगलिन को काफी बुरा लगता है। सेक्रेटरी जो होता है वो कैंगलिन को सारी बात बता देता है कि मास्टर आपको प्रोटेक्ट करने के लिए यंग मास्टर से काफी ज्यादा कोड़े खाए हैं, जिस वजह से इनकी ये कंडीशन हो गई। ऐसा सुनकर इसे बहुत हर्ट होता है कि ये मुझे बचाने के लिए अपने साथ इतना बुरा कर रहा है। इसके बाद मोयू को भी होश आ जाता है। होश में आने के बाद मोयू जब कैंगलिन को देखता है तो काफी खुश होता है और गॉड का शुक्रिया करता है कि कैंगलिन बिल्कुल ठीक है, और फिर अभी से ये सारी सच्चाई बताता है कि ये कैंगलिन के साथ अपना अफेयर होने का नाटक क्यों कर रहा था और आज तक इसने कभी किसी को बताया क्यों नहीं कि तुम ही मेरी वाइफ हो। ये इसे सारी सच्चाई बताता है मोमो के बारे में कि बचपन से लेकर वो मेरे साथ है और वो इस दुनिया की सबसे ईविल वुमन है। आज तक मेरे आसपास जितनी भी औरतें मडराई हैं वो उन्हें चुटकी बजाते ही गायब कर देती है, इसीलिए मैंने कभी भी तुम्हारा जिक्र नहीं करा उसके सामने, लेकिन इस हादसे के बाद उसे तुम्हारे बारे में सब पता चल गया होगा और जहाँ तक मैं जानता हूँ कि वो तुम्हें हर्ट करने की पूरी कोशिश करेगी। ये इसे कहती है, घबराओ नहीं, हम दोनों साथ मिलकर कोई ना कोई रास्ता निकाल ही लेंगे और हम दोनों साथ मिलकर इस सिचुएशन से फाइट करेंगे। हम मोमो को देखते हैं जो कि कैंगलिन के पास में आई हुई होती है। कैंगलिन की बहुत ही बुरी सिचुएशन होती है, ये हमेशा कैंगलिन को हर्ट करने के पीछे पड़ी हुई होती है और अभी जैसे कंडीशन में है ये किसी और ने नहीं बल्कि मोयू ने करवाया हुआ होता है। ये इस वक्त हॉस्पिटल में एडमिट होती है, लेकिन बेचारी को मालूम ही नहीं कि मोयू ने इसके साथ इतना बुरा करा है। जब यहाँ पर मोमो इससे मिलने के लिए आती है तो ये मोमो को गाली देते हुए कहती है कि तुम्हारी वजह से मेरी ये कंडीशन है, लेकिन मोमो इसे सारी सच्चाई बताती है कि एक्चुअल में मोयू तो तुम्हें इस्तेमाल कर रहा था, वो तो तुम्हें पसंद ही नहीं करता और ना ही तुमसे प्यार करता है, वो ऐसा सिर्फ इसलिए कर रहा था ताकि वो मुझे गुमराह कर सके। एक्चुअल में तो वो कैंगलिन को पसंद करता है और उसी से प्यार करता है। उनका कैंगलिन को काफी ज्यादा गुस्सा आता है और ये कैंगलिन को कहती है कि मैं इसे नहीं छोड़ूंगी, मैं इसे बर्बाद करके रख दूंगी। और फिर जब ये हॉस्पिटल से डिस्चार्ज होती है कैंगलिन को मारने का प्लान बनाती है और ये उसके ऊपर बहुत ही गंदा वाला एसिड अटैक करती है, लेकिन सही टाइम पर यूचैन आकर उसे बचा लेता है और ये पूरा एसिड यूचैन के ऊपर जा गिरता है, जिस वजह से यूचैन की जान चली जाती है। इस वजह से कैंगलिन तो बहुत ही बुरी मुसीबत में पड़ जाती है। यूचैन के डैड को जब भी पता चलता है कि अब उनका बेटा नहीं रहा तो वो कैंगलिन के ऊपर काफी गुस्सा करते हैं, लेकिन कैंगलिन का हस्बैंड मोयू यूचैन के डैड को सारी बात बताता है और उन्हें समझाने की कोशिश करता है कि इसमें कैंगलिन की कोई गलती नहीं है, ये सब तो कैंगलिन ने ही करा है, उसका ही प्लान था इसके ऊपर एसिड अटैक करने का। और रही बात यूचैन की, तो मैं उसका जिंदगी भर आभारी रहूंगा कि उसने मेरी वाइफ को प्रोटेक्ट करा, लेकिन एक्चुअल में मारा तो उसे कैंगक्विंग ने है, जो कि बहुत ही बड़ी ईविल वुमन है, अगर किसी को सजा मिलनी चाहिए तो वो कैंगक्विंग है। यार एक तो इन लोग के इतने अजीब अजीब से नाम होते हैं ना। वेल छोड़ो,
वेल, इसके बाद युशैन के डैड इसकी बातों को समझते हैं और ये डिसाइड करते हैं कि ये कैंग किंग को नहीं छोड़ेंगे और उसे सजा देकर रहेंगे। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि मो यू ने कैंग किंग को अपने कब्जे में रखा हुआ होता है और इसे इतना खाना खिलाता है कि ये सोचती है कि शायद मो यू इसका ख्याल रख रहा है, लेकिन ये तो इसे बांध कर रखता है और न ही इसे वॉशरूम जाने देता है और न ही टॉयलेट जाने देता है। और जब इसे प्रेशर आता है तो फिर ये इससे फाइनली सवाल करता है कि चलो बताओ ये सब तुम्हें करने के लिए किसने कहा था, ऐसे का व्यवस्था तुम्हें किसने करके दिया, जब तक तुम ये सच्चाई नहीं बताओगी तब तक तुम ऐसे ही यहाँ पर बंधी हुई रहोगी। ये इसे नहीं बताती है तो फिर ये भी कहता है कि वेल मैं तुम्हें युचैन के डैड के हवाले कर दूंगा, जैसे युचैन की भी जान चली गई जिस वजह से युचैन के डैड काफी ज्यादा गुस्सा है तो फिर वो तुम्हारे साथ क्या करेंगे तुम सोच भी नहीं सकती। ऐसा सुनकर बेचारी की हालत खराब हो जाती है कि युचैन के डैड तो बहुत ही खतरनाक है, वो तो मेरा जीना बदतर कर देंगे, मौत से भी बदतर सजा वो मुझे देंगे। तो फिर ये डर के मारे बताती है कि ये सब इसने किसके कहने पर किया है। इसके बाद नेक्स्ट डे ये युचैन के ग्रेव पर आती है, वेली अपने आप नहीं आती है, युचैन के डैड इसे लेकर आते हैं और वो इसे टॉर्चर करते हैं कि मेरे बेटे से माफी मांगो और ये यहाँ पर रो रो कर माफी मांगती है। लेकिन इसका इविल साइड भी दिखता है कि ये कितनी खतरनाक है, ये कैंग लिंग से बहुत ही ज्यादा नफरत करने लग चुकी होती है और कहती है कि आज मैं जिस भी कंडीशन में हूँ ये सब कैंग लिंग की वजह से है। इसका ऐसा बिहेवियर देख कर युचैन के डैड को काफी गुस्सा आता है कि इतना सब कुछ होने के बाद भी इस लड़की को थोड़ा सा भी बुद्धि नहीं आ रहा है, ये लड़की एकदम पागल हो चुकी है। एक तरफ मोमो मोयू से आकर कहती है कि वाल तुम्हारी वाइफ ने युचैन का मर्डर करा है, उसे यहाँ नहीं होना चाहिए बल्कि जेल में होना चाहिए। मोयू कहता है कि तुम कौन होती हो इसे कातिल कहने वाली, उसे एक्चुअल में तो तुमने मारा है, तुमने जाकर कैंग किंग को बहकाया था जिस वजह से उसने ऐसा करा तो तुम भी कातिल हुई। यहाँ पर मोयू को काफी ज्यादा गुस्सा आ जाता है मोमो के ऊपर, लेकिन फिर कैंग किंग उसे संभालती है। सीन में हम देखते हैं कि जो कैंग किंग की फैमिली होती है यानी कि उसकी स्टेप मदर और उसके डैड, उन दोनों के बीच में काफी लड़ाई हो रही होती है कि मेरी बेटी की जान खतरे में है, तुम कुछ भी नहीं कर रहे हो। तो फिर यहाँ पर कैंग किंग के डैड कहते हैं कि मैं क्या करूं, उसने मर्डर करा है, उसने युचैन की जान ली है, मैं इसमें कुछ भी नहीं कर सकता, मैं उसे चाह कर भी प्रोटेक्ट नहीं कर सकता। इस वजह से उसकी माँ उससे खूब लड़ाई कर रही होती है, अपने हस्बैंड को उल्टी सीधी बातें बोल रही होती है कि तुम और कैंग किंग ने मिलकर मेरी और मेरी बेटी की लाइफ बर्बाद करके रख दी। वेल यहाँ पर जब कैंग किंग आती है तो कैंग किंग के डैड इससे कहते हैं कि वेल बेटा तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई थी मेरी प्रॉपर्टी बेचने की, वो भी मेरे पीठ पीछे। तो कैंग किंग बताती है कि डैड जब आपको कुछ मालूम ही नहीं रहता तो फिर मैं आपका क्या करूं, आप इतने ज्यादा लापरवाह इंसान है, आपके बगल में जो आपकी बीवी खड़ी है उसने ही पीठ पीछे आपकी प्रॉपर्टी बेची है, तो सवाल करना है तो उससे करिए, भला मुझे क्या मिलेगा आपकी प्रॉपर्टी बेचकर। ऐसा सुनने के बाद ये अपनी वाइफ के ऊपर काफी गुस्सा करते हैं, लेकिन इनकी वाइफ कहती है कि आज तक तुमने मेरे लिए करा ही क्या है, किसी चीज में ना मेरे शेयर्स हैं और ना ही तुमने कोई प्रॉपर्टी मेरे नाम पर रखी है, तो फिर मुझे पैसों की जरूरत थी तो मुझे ऐसा करना पड़ा। ये कहता है एटलीस्ट तुम मुझे बता दी तो सही, तुमने बिना बताए पीठ पीछे मेरे ये काम करा है और ऊपर से कैंग किंग को फंसाया है, तो तुमने ऐसे कितने कांड करे होंगे, कितनी बार तुमने बिना मतलब का कैंग किंग को फंसाया होगा। ऐसा सुनकर ये कहती है कि मुझे तुमसे डिवोर्स चाहिए, मैं अब तुम्हें और नहीं झेल सकती। ऐसा सुनकर ये भी कहता है कि हाँ मैं भी तुम्हें नहीं झेल सकता। ये गुस्से में कैंग किंग को भी कहती है कि जैसा तुम्हारी माँ के साथ हुआ था वैसा तुम्हारे साथ भी होगा। तो फिर इसके डैडी से थप्पड़ लगाते हैं कि इसकी माँ जैसी भी थी तुम्हारी जैसी तो नहीं थी, एक नंबर की झूठी और मक्कार। तभी यहाँ पर मोयू सबके सामने कन्फेस करता है कि अब तो ये मेरी लीगल वाइफ है, अगर आपको कंपनी में कोई भी प्रॉब्लम है तो मैं आपको थोड़ा बहुत हेल्प कर सकता हूँ, लेकिन वो हेल्प मैं तभी तक करूँगा जब तक आप मेरी वाइफ की रिस्पेक्ट करेंगे। और ये इनकी कंपनी के शेयर्स में इन्वेस्ट करने का डिसाइड करता है। ऐसा देखकर कैंग किंग की मामा को काफी गुस्सा आता है और वो कहती है कि तुम एक नंबर की डायन हो, तुमने मेरी बेटी की लाइफ बर्बाद कर दी और अब किसी अमीर आदमी को अपने जाल में फंसा कर अपनी लाइफ एंजॉय कर रही हो, ये एक्चुअल में ये सारा गेम तो तुम्हारा है। ऐसा देखने के बाद कैंग किंग के डैड अपनी वाइफ को फिर से थप्पड़ मार कर शांत कराते हैं। वेल जब ये बात डैड को पता चलती है कि मोयू जो कि इतने अमीर इंसान है वो उनकी बेटी के हस्बैंड है, तो ये भी लालची इंसान की तरह इनके पीछे पड़ जाते हैं और कैंग किंग की रिस्पेक्ट करने लग जाते हैं। वाले एक तरफ हमें पता चलता है कि इन लोगों ने कैंग किंग को युचैन के डैड के हाथ में दे दिया होता है और अब उसकी बहुत ही बुरी कंडीशन होने वाली है। ऐसा जब कैंग किंग की माँ को पता चलता है तो वो भी पूरी तरह से परेशान हो जाती है और कहती है कि न जाने मेरी प्यारी फूल जैसी बेटी के साथ वो क्या कर रहा होगा। यहाँ पर कैंग किंग की माँ कैंग किंग को बददुआएं देने लग जाती है। ऐसा देख कर मोयू कहता है कि प्लीज आप शांत रहिए, अपना गंदा मुंह मत खोलिए और मेरी वाइफ को ऐसी बददुआएं मत दीजिए। लेकिन कैंग किंग कहती है देने दो इनकी बददुआएं, कौन सा मुझे लगने वाली है, वैसे इनकी दुआएं कहीं इनकी बेटी को ही ना जाकर लग जाए, कहीं ऐसा ना हो कि बेटी को बचाने के लिए जाएं और वापस डेड बॉडी लेकर आएं, क्योंकि युचैन के डैड बहुत ही खतरनाक किस्म के इंसान है। ऐसा सुनकर इसकी माँ एकदम टूट जाती है कि न जाने इसकी बेटी के साथ क्या हो रहा होगा। वेल कर्मा जैसी करनी वैसी भरनी, इन लोगों ने इतने टाइम तक सब लोगों के साथ बुरा करा, कैंग किंग के साथ बुरा करा, इसके डैड के साथ बुरा करा, सब लोगों के साथ मिलकर कितने अजीबोगरीब गेम खेले,
तो इन लोगों के साथ भी थोड़ा सा गेम तो बनता है। जब हम कैंकलिंग को देखते हैं जिसकी लाइफ कुत्तों से भी बदतर हो चुकी होती है, ये चैन के डैड उसके साथ बहुत ही बुरा करते हैं और कहते हैं कि मैं तुम्हें जेल वेल नहीं भेजूंगा, कि मैं तुम्हारी लाइफ यहाँ पर कुत्तों और सुअर से भी बदतर कर दूंगा। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि वो जो मोमो होती है अब तो उसका चारों तरफ से पत्ता कट चुका होता है, और लेकिन फिर भी वो हार मानने वालों में से नहीं है। वो कैंगलिंग को किडनैप कर लेती है और वो यहाँ पर इसे मारने का डिसाइड करती है, लेकिन सही टाइम पर मोयू आ जाता है। लेकिन ये मोयू के सामने कैंगलिंग के गले पर चाकू लगा देती है और कहती है अगर तुमने हिलने का सोचा भी तो मैं कैंगलिंग को जान से मार दूंगी। और ये यहाँ पर रोते हुए कहती है कि बचपन से लेकर मैंने तुम्हें प्यार करा है, अभी भी मैं तुमसे प्यार करती हूँ, तुम्हें कैंगलिंग में ऐसा क्या दिख गया कि तुम्हारे दिल से मैं उतर गई। ये इसे कहता है कि तुम्हारी वजह से मेरी मम्मा आज इस दुनिया में नहीं है। ये कहती है कि मैंने तुम्हारी मम्मा के साथ कुछ भी गलत नहीं करा, वो जैसा डिजर्व करती थी मैंने बस वैसा करा। ऐसा सुनकर इसे गुस्सा आता है, लेकिन ये अपने गुस्से को कंट्रोल करता है क्योंकि कैंगलिंग इसके कब्जे में होती है। लेकिन सही टाइम पर सेक्रेटरी आ जाता है और वो पीछे से मोमो पर अटैक करता है, जिसके बाद कैंगलिंग बच जाती है। और फिर हम नेक्स्ट सीन में देखते हैं कि ये इसे फाइनली एंगेजमेंट रिंग पहनाता है और इसी के साथ ये इसे प्रॉमिस करता है कि अब ये इसे फ्यूचर में कभी भी परेशान नहीं होने देगा और कोई भी प्रॉब्लम नहीं आने देगा। और इसी के साथ इस ड्रामा की हैप्पी एंडिंग होती है और जो मोमो होती है उसका भी डी एंड हो चुका होता है क्योंकि अब उसके ऊपर केस चल रहा होता है एंड फाइनली वो जेल चली जाएगी। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए ठीक है, बाय बाय।